हाजी रऊफ पठाण यांच्या पाठपुराव्याने प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये बोरसे कॉलोनी परिसरातील नागरिकांनी रस्ता मिळाला। शहराचे जिल्हा नियोजन समिती सदस्य हाजी रऊफ पठाण यांच्या हस्ते प्रभाग क्रमांक 19 बोरसे कॉलोनी चिंटू हाजी यांच्या घरापासून ते सायजिंग पर्यंत रस्ता कामाचे लोकार्पण हाजी रऊफ पठाण यांच्या हस्ते करण्यात आले। महापालिका क्षेत्रात अल्पसंख्याक विकास योजनेअंतर्गत हे काम करण्यात आले याबद्दल नागरिकांनी हाजी रऊफ पठाण यांचे आभार मानले आहेत। शहरातील प्रभाग क्रमांक 19 मधील बोरसे कॉलनी चिंटू हाजी यांच्या घरापासून ते सायजिंग पर्यंत रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाली होती। पावसाळ्यात नागरिकांचे फार हाल होत होते, त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी हाजी रऊफ पठाण यांना निवेदन देऊन रस्त्याचे काम करून देण्याची मागणी केली होती। या मागणीचे हाजी रऊफ पठाण यांनी दखल घेत माननीय नामदार अब्दुल सत्तार साहेब अल्पसंख्याक मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे अल्पसंख्याक विकास योजनेअंतर्गत प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये रस्ते कामाच्या काँक्रीटीकरणासाठी 25 लाख रुपये मंजूर करून घेत या रस्त्याचे काम झाल्यानंतर आज या रस्त्याचे लोकार्पण करण्यात आले। यावेळी हाजी रऊफ पठाण यांच्या सोबत हाजी लालाभाई टायरवाले, याकूब पहलवान, भैया सेठ, बाबू दादा, सत्तार दादा, अशफाक मंसूरी, समीर मनियार, मोया दादा, कयूम भाई, काल्या दादा, जाकीर मुजावर, चिंटू हाजी, जुनेद शाह व परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज का ये मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी का मौसम हो गया है गली के वालों के लिए, और ये लोगों ने इतना चिंटू हाजी साहब ने इतनी मेहनत ली है कि हमारे पीछे लग लग के पूरे मोहल्ले के लोगों को यहाँ बुला के आज चिंटू हाजी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, एक अच्छा काम किया है और करने वाली जात सब अल्लाह की है। हम एक बंदे हैं उनके, वो कराता है अपने से और हम करते हैं। आज का काम करना हमारा ये काम है, इसलिए चिंटू हाजी साहब को सब मैं पहले आगे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके और बाकी की ख्वाहिश है गटर का मसला, तो इंशाल्लाह अगले महीने में वो भी पूरा कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाक मंसूरी, मोरसे कॉलोनी का नागरिक, और ये जो काम हुआ है हमारे इधर रऊफ दादा के प्रयत्न से और चिंटू हाजी की मेहनत और कुछ मोहल्ले के नौजवानों की जो कोशिश थी, तो ये बहुत सालों बाद हमको कॉन्क्रीट रोड जो हमारे इलाके की जो कमी थी वो पूरी हुई। हम बहुत खुश है इस काम से और अपेक्षा रखते दादा से कि आगे जो हमारे थोड़े बहुत मसले जो विकास काम के वो पूरे कर दिए जाए, तो और ज़्यादा खुशी व्यक्त करते और दादा के साथ हम हर जगह खड़े हैं। दादा के पीछे हम पूरे कॉलोनी के लोग हैं, जो भी समर्थन हमारे से दादा के लिए होगा हम वो करेंगे, क्योंकि एक बात सबसे अहम इसमें ये है कि दादा राजकारण में नहीं होते हुए उन्होंने जो हमारे लिए जो काम किए उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।